तो एक कितना देरी में निकलेगा अभी? सबको रमजान मुबारक। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं आपका अपना एमली शाहिद, जो कि एक साधारण इंसान है। तो जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि आज आप लोगों को अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र का सवारी कराएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का, तो लेके चलते वहीं पे। और ये जो रास्ता है ये भेली व्यू जाने का रास्ता है, ठीक है। और ये इधर में म्यूजियम भी है, और ये मेरा मतलब सबसे फेवरेट प्लेस है भेली व्यू गुवाहाटी के अंदर में। मैं जब मैं अपना वर्ल्ड्स का नंबर वन ईटेक कंपनी में जॉब करता था, तो मेरा जो वीकली ऑफ जो होता रहा, जिस दिन मेरा छुट्टी होता रहा, तो उस दिन मैं ज़्यादातर टाइम भेली व्यू में ही स्पेंड करता रहा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता रहा। तो फिर चलो नदी का सवारी करते। तो लोकेशन पे आ चुका है, पर यहाँ मैं देख रहा है कि यहाँ तो बोट ही नहीं है। पहले यहाँ से फेरी के लिए निकलता रहा, अभी यहाँ पे कुछ बोट हो ही नहीं, तो शायद वो अभी उधर में हो गया होगा फैंसी बाज़ार की तरफ। तो चलते हैं आप उधर में फैंसी बाज़ार। और भेली व्यू जो आपको आप लोगों को मैं बोला था, तो ये भेली व्यू का रास्ता है, यही है भेली व्यू। काफ़ी मतलब अच्छा प्लेस है, इधर में मज़ा आता है। तो इधर में तो जाने को तो मिला नहीं, क्योंकि यहाँ से फेरी तो बंद हो चुका है। तो लेके चलते हैं फैंसी बाज़ार की तरफ, आप लोगों को घुमाएंगे उधर, ज़रूर घुमाएंगे, नाव का सवारी तो कराएंगे आज। आ चुके हैं फैंसी बाज़ार, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज भी नया बना ही है, ठीक है। ज़्यादा दिन हुआ नहीं ब्रिज का बना हुआ, और इस साइड में वो बोट का सवारी करेगा। तो फिर चलो फैंसी बाज़ार के ब्रिज, ये सब नया नया बनाई है, घूमने के लिए भी काफ़ी मस्त जगह है। ए भाई साहब बंद हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, खुला है खुला है खुला है। सो इससे पहले जब मैं यहाँ पे था 2022 में, तो 2022 का अंदर में ये ब्रिज नहीं बना था, ये फुट ब्रिज नहीं बना था। ये नीचे का लोकेशन देखिए, पूरा गाड़ी इधर से जाना जाना लगा रहता है। और ये नया बना है तो बहुत भीड़ भी रहती है इधर से, पहले पास होने में डायरेक्ट रोड से पास होता था, तो अभी ये बना दिया तो काफ़ी सुविधा हो गया आने जाने के लिए। तो अब चलते हैं बोट में, चलो। आप लोग मेरे पीछे वो देख सकते हो, फैंसी बाज़ार जाने का रास्ता है, इतना भीड़ लगा रहता है फैंसी बाज़ार में। ये फैंसी बाज़ार अभी व्यू को लेके और रमजान को लेके ज़्यादा भीड़ है, नॉर्मली वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ये फैंसी बाज़ार के अंदर। तो गाइस लेके चलते हैं अभी आप लोगों को कहाँ पे, बोट पे। अभी हम लोग नदी में आ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी यही है। और इधर देखिए गाड़ी का कितना भीड़ लगा हुआ, टूरिस्ट प्लेस एकदम जैसे ही पूरा। वो देखिए इतना सारा बोट लगा हुआ है, और देखते हैं अभी कौन सा बोट जाता है, तो उसी बोट में बैठ जाएंगे, थोड़ा घूम लेंगे, आप लोग को भी थोड़ा घुमाएंगे। तो फिर चलिए फेरी का अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। अब टिकट लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो टिकट कन्फर्म, तो चलो टिकट ले लेता है, एक टिकट लेके भी निकलते हैं। पब्लिक पूरा पब्लिक आया हुआ है भाई, बाप रे बाप, गजब का भीड़ आया हुआ है। बता ये सुनो डिवोशन, सो टिकट ले लेता हूँ, रुक जाओ। सो टिकट के लिए 10 रुपया दिया, 10 रुपया में से 5 रुपया रिटर्न भी आ चुका है, ठीक है। 5 रुपया में घूमना है पूरा फेरी। तो क्राउड्स देखिए कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। एटा यूट्यूब हमारा यूट्यूब चैनल, एटा हमारा यूट्यूब चैनल। तो एक कितना देरी में निकलेगा अभी? 4:45 में जाएगा ना, अभी टाइम कितना हो रहा है? 36:46, तो और 9 मिनट बाद निकलेगा। तो चलते हैं फिर अंदर में। आप लोग ये जा बोट है एमबी जानवी है, ठीक है। इसका अंदर में भी है, बाहर से भी पब्लिक है, बाहर से भी जाता है। बोट वोट का बाइक का भी ज़्यादा चार्जेस नहीं है, और अंदर के लेके चलते आप लोगों को, अंदर में लेके चल रहे। पब्लिक देख सकते हैं इतना सारा भीड़ लगा हुआ है। और बात करेंगे ऊपर जाने के लिए, अगर ऊपर जाने देगा तो ऊपर से और मजा आएगा देखने में। ये देखो भी बाहर का नजारा, हाय भाई, सबको रमजान मुबारक। हाँ आप सभी को रमजान मुबारक दिया है भाई ने। वो देखो वो नदी उधर में भी, वो नदी है, वो पहाड़ में आपका कुछ कमाख्या मंदिर वही पे शायद,
है ना, इसका बैक साइड, हाँ इसका बैक साइड में कामाख्या मंदिर भी है। और ये जो पोस्ट वगैरह है ना, हाँ उधर से पूरा ब्रिज होगा इधर तक, ये पूरा ब्रिज होगा ना, ये ब्रिज किधर से निकलेगा, ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा। पहले वो सरायघाट ब्रिज से आना पड़ता था, नहीं अभी डायरेक्ट ये कर दिया ना। और फिर इधर से भी आएगा आपका वो नॉर्थ गुवाहाटी से इधर तक होगा, मतलब ये सब बन रहा है अभी, अभी बंद है, काम कर रहा है, काम चालू है, काम चालू है, मतलब कुछ समय बाद ये लोग भी मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है नहीं, तब और मजा आएगा और यहाँ पे पब्लिक आएगा तब घूमने के लिए। ओ गाइस ये देखो देख लो गुवाहाटी का फेरी का मजा लो इधर में, क्या मस्त मस्त, क्या मस्त नजारा इधर का। इधर में भी पूरा पूरा उधर में आदमी है, ठीक है, इधर में भी ये सब लगा हुआ है। तो काफी मस्त आ रहा है घूम के भी इधर में, ठीक है, बोट उधर जा रहा है, और अपना बोट भी खुल चुका है, अपना बोट भी निकल चुका है गाइस। कुछ देरी बाद यहाँ का लोकेशन भी दिखलाऊंगा आप लोगों को। भाई साहब ऊपर आने नहीं दे रहा था, कैसे कैसे करके कितना बोल के उसके बाद आने दिया कि ठीक है जाओ, मैं बोला कि थोड़ा देर में आ जाऊंगा भैया वीडियो शूट करके उसके बाद नीचे गया ही नहीं, मैं ऊपर में ही हूँ। यो देखो यहाँ से नज़ारा देखो, आप गुवाहाटी का नज़ारा देख सकते हो। और ये शिप का पायलट है, क्या बोलते हो, शिप चलाने वालों को नहीं पता, ठीक है भैया यही चलाते हैं। अंदर में भी एक दो वो रखे हुए पायलट, दो पायलट रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से मजा लो। वो देखो उधर में भी पब्लिक है पूरा, ये देखो गाइस दिस इज अ कॉल ऑफ गुवाहाटी का व्यू, नदी के अंदर से आप लोगों को ऐसा ऐसा भी देखने को ना मंजर मिल जाएगा, ठीक है ये देखो। और ये जो बीच में दिख रहा है आप लोगों को, वो बीच में दिख रहा है, ये इसके ऊपर भी एक मंदिर है, गया था वहाँ पे भी घूमने को, जब मैं यहाँ पे जॉब करता था तो वहाँ पे भी घूमने को गया था एक बार। सुनो गाइस देखो यार क्या लुक है, मतलब गजब 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 मजा आ रहा है, दिल खुश हो गया इधर में फिर से आके, वो जो याद था वो याद ताजा हो गया, पहले काफी मजा आ रहा, अद्भुत। तो इस बोट से जा रहे हैं, फिर ये बोट क्या करेगा कि उधर में आदमी लोग को ड्रॉप करेगा, फिर वहाँ से आएगा, तो मुझे तो उधर जाना है नहीं, मुझे तो इससे इसका सवारी करना था, तो इसलिए मैं इसी बोट से रिटर्न भी आ जाऊंगा। वाह सनसेट देखिए कितना मजा, सनसेट है लाइफ क्या बात है, ब्लॉगिंग करने का ये भी फायदा होता है कि आपको जगह जगह घूमने को मिलते रहता है। इस पानी का क्या लहर मार रहा है, एकदम मजा आ रहा है, यहाँ में डीप भी बहुत होगा, नीचे में आदमी लोग भी मजा ले रहे हैं पानी में बैठ के, नाव में बैठ के मजा ले रहा है ये लोग भी। ये देखो वो उधर का लुक ज्यादा मजा आ रहा है, ये इधर का ज्यादा मजा आ रहा है देख के, और उधर में वो भी चल रहा है। ये देखो गाइस ये देखो, मैं सोचा था इस पे जाऊंगा, बट क्या है कि अभी टाइम भी नहीं है, अंधेरा भी होने वाला है कुछ समय बाद, और वो भी बंद हो जाता है, तो अगर मैं कल गुवाहाटी में रहता हूँ तो डेफिनेटली इसका भी सवारी कराऊंगा, ठीक है। तो इधर में कितना सारा पब्लिक है, बाइक वाइक लेके अपना सब बैठा हुआ, ये इस पे बाइक गाड़ी सब आ जाता है, ठीक है, ये सब जाएगा अभी नॉर्थ गुवाहाटी जाएगा, वो दिख रहा होगा आप लोगों को कि वहाँ जाएगा नॉर्थ गुवाहाटी है। और बोलने का वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है इधर में आके। बोट अभी नॉर्थ गुवाहाटी साइड में आ चुका है, ठीक है,
और वहाँ पे वो दिख रहा है, वहाँ पे रुकेगा, वहाँ से सब अपना अपना उतरेगा और जाएगा फिर, और फिर वहाँ से जो आदमी है वो वापस आएगा। वो गेट खुल चुका है, सब जा रहा है, अभी निकल रहा। वो क्राउड्स देख सकते, इतना सारा पब्लिक आया था भाई साहब यहाँ पे कोर्ट से। निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। तो गाइस फिर से यहाँ से अब रिटर्न जा रहे हैं वापस अपना लोकेशन फैंसी बाजार, जहाँ से चढ़े थे वहाँ पे जा रहे हैं। तो बोट का भी सवारी करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी क्राउड्स भी था, आदमी लोग भी बहुत था। तो आज के लिए तय रखते हैं, आप लोग अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, और कमेंट्स भी कीजिए, धमाधम कमेंट्स मारिए।